तो दोस्तों ये है खूबसूरत फतेह सागर झील उदयपुर की। तो दोस्तों ये है उदयपुर में एक सुंदर सा एलिफेंट जो रोड पे चल रहा है मस्ती से, टूरिस्ट को घुमा के आया कहीं ना कहीं, क्योंकि उदयपुर में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आनंद राज 24 के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम जा रहे हैं उदयपुर की फतेह सागर झील में बोटिंग करने के लिए और वहाँ का नज़ारा देखने के लिए। तो उदयपुर की रोड्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, नीट एंड क्लीन है जहाँ तक मेरे को देखने को मिला या जिस एरिया से मैं गुजरा तो मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। टेम्पो यहाँ पे थोड़े से अलग टाइप के चलते हैं, हमारे सिक्कर में थोड़े अलग टाइप के चलते हैं, लेकिन डुग डुग बढ़िया टेम्पो है और अच्छा मौसम है, सर्दियों का सही मौसम है। बहुत ही शानदार और सुहाना सफ़र हमारा रहा है उदयपुर का अभी तक का, और अभी हम फतेह सागर झील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों आपको मिलते हैं सीधा फतेह सागर झील में। तो दोस्तों ये है खूबसूरत फतेह सागर झील उदयपुर की। देखो पानी कैसा चमक रहा है यहाँ पे एकदम सूरज की रोशनी पड़ते ही, और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट है। ये झील है और इसको बनाया गया है, पहले ये झील थी वहाँ पे, लेकिन ये बाढ़ के कारण डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके बाद में यहाँ के महाराणा फतेह सिंह ने ये झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी इसके बांध वांध बनाए तो पानी इसमें ठहरने लायक बचा था, वरना तो पानी निकल जाता जिससे आते हुए से। तो इसीलिए इसका नाम है फतेह सागर झील। इस झील के अंदर बीच के अंदर एक टापू है जहाँ पे नेहरू उद्यान है, और साथ में इसमें भारत की पहली सौर वेद्यशाला है जहाँ पे बेल्जियम ने एक टेलीस्कोप 1975 में लगवाया था। तो दोस्तों आनंद लीजिए यहाँ पे बोट की राइड का, और ये पूरी टीम हमारी बढ़ रही है बोट में बैठने के लिए। ये हमारे जसवंत जी सर, हेलो जसवंत जी सर, कैसे हैं आप? और हम बोट में जाने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा अभी इतनी बड़ी झील में पहली बार मैं इसे पानी में बैठा हूँ मैं, और पानी में गहराई देख के आपको समझ आता हुआ थोड़े से कि गहराई है इसमें। और ये प्रभु सिंह जी, ये राजेंद्र जी सर, गोविंद जी सर और सभी सात टीम के सदस्य सभी हैं यहाँ पे। सखिला मैडम, अंसराज मैडम, उषा मैडम, सबाना मैडम, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम के सदस्य हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में हम गए थे यहाँ पे, तो आपको कुछ लोग ही देखने को मिलेंगे। और ये बाकी हमारी और टीम के सदस्य आ रहे हैं, हसान भाई आ रहे हैं, उनके साथ में गिलवान आ रहे हैं, दानिश आ रहे हैं, है ना। तो सभी टीम के सदस्य बोट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी पर्यटक भी आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पे पर्यटक हैं। तो दोस्तों हम आपको आज सिखाएंगे मछली पकड़ के कैसे उसे खाया जाता है। आइए आप हमारे साथ क्रूज पे बैठिए, हम पानी पानी में हाथ डाल के मछली खाएंगे। फिर भी नहीं आ रहा तो काउंटिंग बराबर है, काउंटिंग बराबर है। दानिश भाई टाइटैनिक पोज। पानी ज्यादा गरीब दिख रहा है, उसमें तो हाइट रहती थोड़ी मुंबई के अंदर।
तो दोस्तों इस तरह से हमारी खूबसूरत राइड कंप्लीट हुई। बहुत ही शानदार मज़ा आया राइड करके, बोट्स की स्पीड इंजॉय, और बीच में एक गार्डन भी था वो भी देखा हमने। बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा, आप देखिए पानी में क्या सरपट ये बोट दौड़ रही हैं, और काफ़ी बड़े एरिया में ये झील फैली हुई है, और इसका पानी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम ब्लू कलर का, एकदम शाइनिंग वाटर आपको देखने मिलता है। और उदयपुर की बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए पीने का पानी का स्रोत भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं घोड़े हैं, बग्घियाँ हैं, पर्यटकों के लिए बहुत ही सुंदर मज़ेदार एक अनुभव। सफ़ेद घोड़ियाँ कितनी शानदार लग रही है, ऐसा लगता है जैसे इनको पेंट किया हुआ हो सफ़ेद। और काफ़ी पर्यटक यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ पर्यटक यहाँ पे अलग अलग राइड्स का एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इसके चारों तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, स्टॉल्स बहुत सारी लगी हुई है खाने पीने के लिए, वहाँ पे आप बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पैदल भी चल सकते हैं, साथ में यहाँ पे कई आपको साइकिल्स भी किराए पे मिलती है, जिससे कि आप पूरी झील के बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर काट सकते हैं, जहाँ पर भी अच्छी चीज़ें हैं। और बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा, मतलब पानी देखो कैसे चमक रहा है, जैसे कोई सोने की पर्थ झील मिला रही हो। दोस्तों यहाँ पे इवनिंग में लाइटिंग अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लोग घूम रहे हैं इधर उधर। यहाँ पे एक एक्वेरियम भी है बहुत ही सुंदर और बहुत ही गजब का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उस एक्वेरियम में हम गए, साथ में वहाँ पे जो वीआर लेंसेज है उसके द्वारा हमने समुद्र में गोता भी लगाया वीआर के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, तो वो लगा के पूरा इंजॉय किया, पूरा देखा एकदम एक्वेरियम, मछलियाँ उसमें अलग तरह की थी, मछलियों की जानकारी थी, वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा, जैसे कि आप देख रहे हो सामने बोर्ड लगा हुआ है, इधर ही एक्वेरियम है ये, और यहाँ से आप देखो लाइटिंग भी कितना सुंदर एक नज़र आपको देखने को मिल रहा होगा नाइट में। दोस्तों ये था फतेह सागर झील का एक खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत व्लॉग। इसमें मैंने ज़्यादा वैसे डिटेलिंग तो बता ही नहीं आपको ज़्यादा, क्योंकि टीम साथ की तो टीम ने जो सब कुछ किया, परचेजिंग की, टिकट विकेट तो टीम ने की, मिला की तो इंडिविजुअल मैंने की भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चला क्या टिकट थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। तो मैं बोलूँगा जब भी उदयपुर जाएँ फतेह सागर झील ज़रूर जाएँ, और उसको स्पेशली आप इवनिंग के समय जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मैं 4-5 बजे के समथिंग। दोस्तों अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू।